क्लास 7 के सोशल साइंस का चैप्टर 3 जिसका टाइटल है द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर ए बी और सी में गिवन है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, सभी आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लास 7 का कोई वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से, जिसके अंदर जितना सारा क्वेश्चन गिवन है सभी में हमें सही ऑप्शन को चुन के उसको टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनसाइड द अर्थ ड्यू टू। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसका क्या रीजन है? इसका आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ के सरफेस के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर कॉज्ड बाय डैश, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो भूकंप आता है और जो ज्वालामुखी फटता है दोनों के होने का कारण जो है अर्थ के अंदर होने वाला डिस्टर्बेंस ही है। रिस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, अगर हम लोग अर्थ के लेयर को ऊपर से नीचे तक देखें तो कौन कौन से लेयर्स हमें एक लाइन से मिलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊपर हमें क्रस्ट मिलेगा, उसके नीचे हमें मेंटल मिलेगा और सबसे नीचे हमें कोर मिलेगा। द फुल फॉर्म ऑफ सीमा इज, सीमा का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमा एक लेयर का नाम है जहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि सिलिका एंड मैग्नीशियम दिया गया है। द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच नाइस फॉर्म्ड इज, नाइस एक रॉक का नाम है, यहाँ पे जी साइलेंट है, तो नाइस नाम का जो रॉक है उसका फॉर्मेशन किस रॉक से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में बहुत ज़्यादा समय तक धरती के अंदर रहना पड़ता है तो उससे नाइस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हमने ए नंबर में जितना सारा क्वेश्चन गिवन था सभी को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें ब्लैंक्स को फिल करके इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। बट इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे इनको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में। अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का फॉर्मेशन कितने साल पहले हुआ था? मिलियन में हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4600 मिलियन ईयर्स अगो, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4600। द बिहेवियर ऑफ डैश वेव्स टेल्स अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कौन से वेव्स के कारण पता चलता है? तो उस वेव का नाम है सिज्मिक वेव, यहाँ पे हम लोग सिज्मिक फिल करेंगे। द डैश ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका आंसर हो जाएगा थिकनेस, क्योंकि क्रस्ट का जो थिकनेस होता है उसका जो मोटाई होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है। क्रस्ट हम लोग सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं और सबसे ऊपरी लेयर जो है अर्थ का समुद्र में सबसे पतला होगा और माउंटेन्स रीजन में अगर हम लोग देखें तो सबसे मोटा होगा वो। रॉक्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश, रॉक्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। द डैश ऑफ अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर, क्योंकि अर्थ का कोर ही है जहाँ पे आयरन और निकेल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी को, जिसमें कि हमें जितना सारा स्टेटमेंट्स गिवन है सभी के लिए हमें एक सिंगल वर्ड लिखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस हमारे अर्थ के सरफेस पे कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डायमंड, डायमंड से हार्ड हमारे इस अर्थ के सरफेस पे कुछ नहीं है। द मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो कि पत्थर के पिघलने से बने हैं, इन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा। रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ पत्थर है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, जब वो ठंडा होता है और उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वो पत्थर बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ का सरफेस हिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ऐसा कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है और ये बहुत सारे मिनरल से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक, हम लोग यहाँ पे रॉक फिल करेंगे।
तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर ए बी और सी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर डी और ई बचा इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगेन डिस्कशन ऐसा होगा कि आपको सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई भी लंबा लंबा क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी जितने क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए उसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट davpublic.in पे जा सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मुझसे किसी भी टाइप का डाउट पूछने के लिए आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।